कल एक पीड़ित महिला ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था और मुकदमे की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तत्काल SIT टीम का गठन किया गया और उसी के साथ साथ जो आरोपी थे वे अज्ञात थे क्योंकि महिला उनको नहीं पहचानती थी, तो उन पर भी तत्काल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। कल से लेके अब तक लगातार पुलिस इस पर अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसी मेहनत का परिणाम ये निकला कि 12 घंटे के अंदर ही उन अज्ञात आरोपियों की पहचान की गई और उनको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। दोनों ही जो आरोपी है वे नाबालिग हैं, वो 16 वर्ष की उनकी उम्र है। उनमें से एक आरोपी 9th फेल है और दूसरा आरोपी 10th के एग्जाम दे रहा है अभी। उनसे घटना के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें विधिक कार्रवाई आगे अमल में लाई जा रही है। मैडम, कहाँ से गिरफ्तार किया उनको, कैसे पता चला कि वो तो अज्ञात थे, फिर कैसे पता चला कहाँ से गिरफ्तार किया? इसमें पुलिस ने फील्ड में काफ़ी वर्क किया क्योंकि महिला ने बताया था कि वो कुछ और लोगों के साथ भी कूड़ा बीनने का काम कर रही थी, तो उनसे जाके पूछताछ की गई और फिर उस एरिया में जितने भी लोग जिनके मकान है वहाँ पर, जितने लोग वहाँ पर रहते हैं उनसे डिटेल में बातें की गई कि कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर घूमते रहते हैं। फिर वहाँ पर जिनके पास में 2 व्हीलर्स, क्योंकि महिला ने बताया था कि उनके पास एक काले रंग की मोटरसाइकिल है, तो उस एक इनपुट को लेके भी पुलिस ने उस पूरे एरिया में अपनी जांच जारी रखी और उन्हीं प्रयासों का ये परिणाम निकल के आया कि 12 घंटे के अंदर ही अज्ञात आरोपियों की पहचान हो गई। ठीक है।